Good morning, student. Today I will continue our chapter number 3, revision of chapter number 3, subtraction. And today I am going to start question number B. These questions are word problem question. Question number B is, a shopkeeper has 397 chocolates. He sold 198 chocolates out of them. इसका मीन्स है, क्वेश्चन का मीन्स हिंदी में है, अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर जो है उसके पास 397 चॉकलेट्स है, ठीक है। हैज़, अगर कभी भी हैज़ या हैव होता है तो इसका मतलब है एक हैज़ और हैव यूज़ होता है, हैज़ और हैव किसी भी सेंटेंस में, एक तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ होता है, या अगर किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के नेम के साथ अगर हैज़ लगा हुआ है तो इसका मीन्स होगा कि उसके पास कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है कि उसके पास इतनी चीज़ है। जैसे यहाँ पे शॉपकीपर हैज़, तो शॉपकीपर के पास कितनी चीज़ है, यहाँ पे हैज़ का मतलब उसके पास होना है, ठीक है। 397 चॉकलेट्स, कितनी चॉकलेट्स है, 397। तो यहाँ पे हैज़ क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो आता है वैसे हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो क्या आता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब ऑफ ए ऑब्जेक्ट। चॉकलेट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई। तो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास कितने, 397 चॉकलेट्स है, और ही सोल्ड 198 चॉकलेट्स, और वो कितनी चॉकलेट्स, सोल्ड का मीन्स होता है बेच देना, तो उसने कितनी उसमें से 397 चॉकलेट्स में से, आउट ऑफ दैम का मीन्स होता है, आउट ऑफ दैम का मीन्स होगा उसमें से 397 चॉकलेट्स में से उसने 198 चॉकलेट्स क्या कर दी, सेल कर दी, बेच दी। हाउ मैनी चॉकलेट्स वर लेफ्ट विद हिम। कभी भी क्वेश्चन में लेफ्ट आ जाता है, अगर आपको पूरे क्वेश्चन का मींस नहीं समझ में आ रहा, तो आपको अगर नज़र आता है कि लेफ्ट लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, थीके? ये इसकी कीवर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट नंबर कौन से डिजिट, क्या कौन सी गिवन है, 397। तो ये 397 क्या है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है, जो शॉपकीपर के पास है। तो हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, आप ये भी लिख सकते हो, शॉपकीपर वन शॉपकीपर या अ शॉपकीपर हैज इक्वल लगा के 397 चॉकलेट्स। सो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 397, ओके। नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 198। तो 198 को क्या किया है, उसको तो सेल कर दिया है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड, क्या सोल्ड, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड, या आप और कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, सोल्ड चॉकलेट्स लिख दो, ठीक है, शॉर्ट में, या चाहे आप ये लिख दो, सोल्ड चॉकलेट्स, ऐसे लिख देते हैं, चलो हम नंबर ऑफ, नंबर मैंने, सॉरी, ये मैंने नंबर क्या लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया, एनओ शॉर्ट में, और एस आप स्मॉल बना लेना, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्ड चॉकलेट्स कितनी है, इक्वल लगा के कितनी, 198, जो सोल्ड का मतलब होता है बेचना, कितनी बेच दी, 198। तो अब हमें आंसर क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी चॉकलेट्स वर लेफ्ट विद विद हिम, तो उसके पास कितनी चॉकलेट रही, तो लेफ्ट चॉकलेट या चॉकलेट लेफ्ट, चॉकलेट्स लेफ्ट। अब 7 - 8 नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर कंपैरिजन टू 8, सो बोरो लेंगे, 17 हो जाएगा, यहाँ पे कट होकर 8 हो जाएगा, बोरो लेते हैं, यहाँ पे 1 बोरो लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 लेस हो जाता है, ओके। 17 में से 8 माइनस करेंगे, तो आपको ये, आप फिंगर्स की हेल्प से कर सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर को